हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि सपने में ट्रेन देखना क्या होता है। हम रात को सोते वक्त कुछ ना कुछ सोचकर ही सोते हैं और सोने के बाद वो सारी बातें सपने में आती है। सपने हमें हमारे आने वाले भविष्य के बारे में बताता है। सपने के जरिए हमें पता चलता है कि हमारे भविष्य में कोई अच्छी घटना घटने वाली है या बुरी, तो उसके लिए हमें तैयार रहें। कुछ सपने डरावने होते हैं उसी, और कुछ सपने हमें खुश कर देते हैं। हम कहीं यात्रा पर जाने वाले होते हैं तो वे हमें इस तरह के सपने आते हैं, जैसे कि सपने में गाड़ी देखना, सपने में ट्रेन देखना, सपने में विमान देखना। उसी तरह अगर सपने में ट्रेन दिखे तो उसका क्या मतलब हो सकता है, वो शुभ होता है या अशुभ, वो जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। सपने में रुकी हुई ट्रेन देखना। ट्रेन का सपना तभी आता है जब हम कहीं यात्रा पर जाने वाले होते हैं। सपनों में रुकी हुई ट्रेन देखने का मतलब है ये अशुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में रुकी हुई ट्रेन देखने का मतलब है कि आपकी यात्रा में परेशानियां आएंगी, आपको उस यात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सपने में ट्रेन में यात्रा करना। सपने में ट्रेन में यात्रा करने का मतलब शुभ संकेत की ओर इशारा कर रहा है। सपने में ट्रेन से यात्रा करने का मतलब है कि आपको धन में लाभ हो सकता है। आप कहीं यात्रा पर जाने वाले होते हो तो आपकी यात्रा शुभ होगी। सपने में ट्रेन में यात्रा करने का मतलब ही आने वाले भविष्य में आपकी प्रगति होने वाली है, जिसे आपको खुश होना चाहिए। सपने में ट्रेन को छूटते हुए देखना। सपने में ट्रेन को छूटते हुए देखने का मतलब है अशुभ संकेत। सपने में ट्रेन को छूटते हुए देखने का मतलब है कि आपको आने वाले भविष्य में किसी काम में या कार्य में असफलता मिलेगी। सपने में चलती हुई ट्रेन देखना। सपने में चलती हुई ट्रेन देखने का मतलब शुभ संकेत की ओर इशारा कर रहा है। सपने में चलती हुई ट्रेन देखने का मतलब है कि आपको आने वाले भविष्य में बहुत अच्छी प्रगति मिलेगी, जिससे आपको खुश होना चाहिए। इस वीडियो में आपको सपने में आने वाली ट्रेन के बारे में बताए हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।